दो साल के बाद भारतीय एयरटेल की पहली एनालिस्ट मीट होने जा रही है। मीटिंग में किन बातों पर फोकस होगा, क्या चर्चा होगी, आइए बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित बताइए क्या एजेंडा है और कहां पर फोकस रहेगा इस एनालिस्ट मीट में? अगर एनालिस्ट मीट तो ऑब्वियसली फोकस में रहेगा भारतीय एयरटेल का, बट अगर आप देखेंगे तो सुबह भी एक इंपॉर्टेंट और अच्छा अनाउंसमेंट आया था भारतीय एयरटेल का, जहां पे उन्होंने कहा है कि करीब 8,800 करोड़ का जो स्पेक्ट्रम लायबिलिटी था वो उन्होंने रीपे कर दिया। हालांकि ये रीपेमेंट से उनका जो ग्रॉस डेट है शायद वो कम ना हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रीपेमेंट पार्ट रीफाइनेंस करके उन्होंने किया होगा, बट जो इंटरेस्ट आउटगो है वो शायद कम हो सकता है कंपनी के लिए आगे जाके। और जो दूसरी भी इंपॉर्टेंट बात है वो है एनालिस्ट मीट। अभी दो साल में पहली बार ये एनालिस्ट मीट रखा है, पिछले दो साल कोविड होने के कारण उन्होंने ये एनालिस्ट मीट नहीं रख पाया, और मार्च महीने में कंपनी अपना जो एनुअल प्लान है, एनुअल स्ट्रेटजी है, वो फाइनलाइज करते हैं, उसके बाद ये एनालिस्ट मीट रखती है। तो क्या टॉपिक्स फोकस में रहेंगे इस एनालिस्ट मीट में? पहले तो 5G कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा कंपनी का, इस बारे में क्लैरिटी मिल सकता है। उसके साथ कंपनी का क्या रैशनल है जो वो एडिशनल स्टेक खरीदने वाले हैं इंडस्टार्स में, इसके पीछे इन्वेस्टर्स का एनालिस्ट का क्वेश्चन आ सकता है, तो वो जानना इंपॉर्टेंट होगा। फिर एनालिस्ट ये भी पूछ सकते हैं कि जो कंज्यूमर, कैसा कंज्यूमर बिहेवियर रहा है टैरिफ हाइक लेने के बाद, नवंबर एंड में टैरिफ हाइक लिया था तो उसके बाद से क्या कंज्यूमर बिहेवियर रहा है, ये जानना इंपॉर्टेंट होगा। और कंपनी का दूसरा टैरिफ हाइक कब आ सकता है ये जानना भी इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ गूगल के इन्वेस्टमेंट्स में क्या अपडेट है, क्या नए अपडेट्स आए हैं ये इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड, क्या नया प्रोग्रेस हुआ है, ये जानने के लिए भी एनालिस्ट अपने क्वेश्चन सवाल कंपनी के सामने रख सकते हैं। उसी के साथ कंपनी अपने ग्रोथ प्लान्स जो डिजिटल पेमेंट्स बैंक और एंटरप्राइज सर्विस बिजनेस है, इसके बारे में, ये तीनों सेगमेंट्स के बारे में अपने ग्रोथ प्लान्स बता सकती है एनालिस्ट को, क्योंकि ये तीनों ही बिजनेसेस नॉन कोर है कंपनी के लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कंपनी आगे जाके इस बिजनेसेस को ग्रो करने की प्लान्स रख सकती है एनालिस्ट के सामने। उसी के साथ जो डिजिटल है, एयरटेल डिजिटल बिजनेस, उसका मोनेटाइजेशन प्लान्स भी कंपनी एनालिस्ट के सामने बता सकती है, उस पर कोई अपडेट्स हो सकते हैं जो कंपनी एनालिस्ट के सामने रख सकती है इस एनालिस्ट मीट में। अब अगर आप पिछले 6 महीने का एयरटेल का शेयर प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो काफ़ी सबड्यूड रहा है, 700 to 705 के प्राइस बैंड में ही चल रहा है कब से ये एयरटेल का शेयर प्राइस। बट अगर आप एनालिस्ट रेटिंग देखेंगे तो सारे एनालिस्ट, लगभग सारे एनालिस्ट बुलिश है इस कंपनी के बारे में, करीब 30 एनालिस्ट का बाय रेटिंग है, और जो कंसेंसस टारगेट प्राइस है वो 24% का अपसाइड सजेस्ट करता है करंट मार्केट प्राइस के सामने। और अगर आप हाईएस्ट टारगेट प्राइस देखेंगे भारतीय एयरटेल पे तो करीब 1080 रुपीज़ का, और जो लोएस्ट टारगेट प्राइस है वो 677 रुपीज़ का है। इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी सारे एनालिस्ट स्टॉक पे बुलिश है और डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड है भारतीय एयरटेल पे आज के लेवल पे, सिर्फ 4% का डाउनसाइड सजेस्ट करता है जो लोएस्ट टारगेट प्राइस है भारतीय एयरटेल पे वो। ठीक है सौमित, बहुत शुक्रिया। तो इस एनालिस्ट मीट में 5G केपेक्स को लेकर, यानी कि 5G पर उसके विस्तार के लिए कितने पैसे कंपनी लगाने जा रही है, इस पर अपडेट आने की संभावना है। अविनाश जी, एक क्विक कमेंट आपसे चाहेंगे भारतीय एयरटेल पर। 6 से 8 महीने की जो चाल रही है अविनाश जी भारतीय एयरटेल की, वो एक रेंज में रही है, 100-125 रुपये के रेंज में ये शेयर रहा है। ये बताइए कि 5G पर माली कुछ बड़े, कुछ एनकरेजिंग अपडेट्स आते हैं तो क्या यहाँ से नई रैली के लिए शेयर तैयार हो जाएगा? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि 5G डेफिनेटली भारतीय एयरटेल के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ऑलरेडी हमने देखा है कि पिछले 3 से 4 महीने में जिस प्रकार के टैरिफ रेट्स सब बढ़े हैं, इसमें एक बात तो क्लियर हुई है कि इस इंडस्ट्री में बहुत समय के बाद प्राइसिंग पावर वापस आई है और भारतीय एयरटेल एक बहुत डोमिनेंट प्लेयर है। अभी जिस प्रकार का पहले फियर्स प्राइसिंग हुआ करता था जब जियो ने मार्केट में एंट्री की थी, वैसा माहौल अभी मार्केट में नहीं है, और ऑब्वियसली आने वाले दिनों में टैरिफ्स अगर बढ़ते हैं तो इनका इबिटा कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन काफी सिग्निफिकेंट रहेगा। 5G में भी इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, तो मेरे ख्याल से ये काफी वेल पोजिशनड है 5G रोल आउट के लिए और इसका फायदा मिलने के लिए। तो डेफिनेटली जिस प्रकार की कमेंट्री अभी एनालिस्ट मीट में आएगी, जिस प्रकार के प्लान्स ये अनाउंस करेंगे, काफी वैल्यू अनलॉकिंग की भी बातें की पॉसिबिलिटी है, तो ये डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए।